प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय में पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। पशुओं में होने वाली अलग अलग बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। पीएम मोदी ने देश भर के लिए 40 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए प्लास्टिक को लेकर अपील की है। पीएम ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक अपने घरों दफ्तरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर ले। प्लास्टिक से पशुओं, नदियों, झील, तालाब में रहने वाले प्राणियों को नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बताई, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जे को खत्म करना बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार फजीहत झेल रहे पाक ने अब नया हथकंडा अपनाया है। इमरान खान ने ट्वीट कर बताया है कि 13 सितंबर को वो पीओके के मुजफ्फराबाद में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसका मकसद कश्मीरियों को ये बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। कश्मीर के सोपोर में लश्करे तैयबा का एक बड़ा आतंकी मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को आज सुबह आतंकी के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। इस दौरान लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी आसिफ को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना और वायुसेना युद्ध अभ्यास करेगी। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर के 5000 से ज्यादा जवान अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। बता दें कि चीन बॉर्डर पर ये पहला युद्ध अभ्यास होगा। युद्ध अभ्यास में एयरफोर्स अपने हाईटेक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, C-130 सुपर हरक्यूलस और AN-32 का इस्तेमाल करेगी। INX मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय चिदम्बरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है। ईडी की तरफ से विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की जाएगी। इस अर्जी के जरिए ईडी चिदम्बरम को हिरासत में लेने की मांग करेगी। इस मामले में चिदम्बरम 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ट्विटर पर पीएम मोदी के प्रशंसकों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई। इसके साथ ही ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट में पीएम मोदी 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एप्पल के 3 नए आईफोन लॉन्च हो चुके हैं, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। इन तीनों की बिक्री भारत में 20 सितंबर से शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपए है। देश भर में मनाया गया गणपति विसर्जन और ओणम का त्योहार। 9 दिन घर में गणपति के विराजमान के बाद आज दी गई विदाई। वहीं नई अच्छी फसल के लिए दक्षिण भारत में रही ओणम की धूम।